एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लजीज रसोई। अभी जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है सिंपल मूंग करी। अगर आप बहुत मसाला खा के परेशान हो चुके हों और आपको कुछ हल्का खाना हो और हेल्दी खाना हो तो आप ये बना सकते हैं। ये वाइट राइस के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और ये बहुत ही अच्छी है रेसिपी है। गर्मियों में ये आपके पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है, आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। करी बनाने के लिए हमने ये मूंग रात भर भिगो के रखा था, उसके बाद सुबह में इसको मूंग को छान के उसके बाद पानी के साथ बॉयल करना है। इसमें नमक ना डालें, अगर नमक डालेंगे तो ये पकने में टाइम लेता है, ऐसे 3-4 सीटी में ये पक जाता है और हमने इसे 3-4 सीटी लगाया है। सिंपल मूंग करी बनाने के लिए हमने उधर मूंग जो बॉईल कर रखा है उधर उसको साइड में रखेंगे। अभी हमने इसे ये कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें हम लोग थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये हमारा है राई। ये करी लीव्स डालने के इमीडिएट बाद हमें ढक्कन डालना होगा, नहीं तो उससे टाइम चला जाता है। करी लीव्स को ये डाल दिया और हमने इसमें ये 2 ग्रीन चिली लिए हैं, 2-3 तीखा आप अपने अनुसार ले सकते हैं, चिली तीखा मनो इतना डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप और भी तीखा चिली डाल सकते हैं। अभी ये जो मूंग बॉयल किया हुआ है वो डालेंगे हम लोग। थोड़ा देखिए, अब हम लोग इसमें इमली पानी डालेंगे। इमली हमने भिगो रखा था, इसको इस तरह से आप छान के डालें। और हम लोग इसमें नमक डालेंगे अभी, ये 1 स्पून है नमक। अगर आपको टेस्ट लगे कम है नमक तो आप और भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाला था 1/2 कप, क्योंकि इसे अभी थोड़ा सा उबालना है इसलिए, और इसमें पानी डाल के आप 5-7 मिनट उबालने के बाद हम लोग अभी ये कोकोनट क्रश किया हुआ है 1/2 कप वो डालेंगे, और इसको डालने के बाद हम लोग फिर से इसको 5 मिनट के लिए उबालेंगे। जब तक ये उबाल इसमें आ जाएगा फिर हमारा ये रेडी हो जाएगा। हमारा रेडी हो चुका है, उबल चुका है अच्छे से। और अब हम लोग ये गार्लिक जो है जिसको हमने इसको चॉप कहें या फिर वो क्रश कर लिया है, और इसको हम लोग, ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी नहीं हो तो आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से, ये अगर आप गार्लिक डालेंगे तो उसमें टेस्ट बढ़ जाएगा आपका। और ये हमें अभी ढक्कन डाल देना है, ढक्कन डाल के 1 मिनट पका के इसे हमें ऑफ़ करना है।